हुआ है पूरा हज कैंप, बहुत ज़्यादा तादाद में आज मिल गए हैं हज कमेटी के लिए, एक अचीवमेंट थे, सब ठीक ठाक रहा, लोग खुश होकर गए हैं, क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं पूरे उलमा इकराम को और यहाँ जितने भी आकर दुआओं से हमें नवाज कर गया, उन लोगों का और मेंबरों का और यहाँ के वॉलंटियर्स का, उसी के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का और आप लोगों का जो मीडिया जो चलाए, और उसी के साथ साथ जो हज के जो अपॉइंट किए गए हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनका, और हमारे इसी के साथ साथ हमारे ईओ सरफराज अहमद खान साहब का और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब का, और इसी के साथ साथ हमारे हरदिल अजीज़ जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उन हाजियों को रवाना करने में जिस तरीके से हम लोगों को उन्होंने एक हिदायत दी थी, और जिस तरीके से हमारे पीठ पीछे एक पिलरों के जैसा खड़े हुए थे, उसी का फल है कि मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके, उसी का एक फल है। तो हमने पूरी मेहनतों के साथ जितने भी वॉलंटियर्स थे और जितने और मेम्बर्स थे, पूरों ने 10,500 से 11,000 हाजियों को इधर से रवाना करने में कामयाबी हासिल की है। कोई शिकायत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, और छोटी मोटी शिकायत आप ही के ज़रिए से हमें मालूम हुआ तो हमने फ़ौरन उसको क्लियर करने की कोशिश की और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। और पहला एक हाजी जो मदीने से कोई एक कॉल के ज़रिए से आप लोगों तक न्यूज़ पहुँचाए थे, उसके बाद फ़ौरन जैसे ही ईओ तक कानून तक ना न्यूज़ गई तो फ़ौरन उन्होंने उसको क्लियर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ना आपको खबर मिली है ना हमें खबर मिली है, इंशाल्लाह आइंदा भी कुछ ऐसी छोटी मोटी खबरें आपको मिल गई तो हमें बताइए, इंशाल्लाह सबसे पहले हम ईओ तक पहुँचा कर वो न्यूज़ आपकी खबर वो इंशाल्लाह क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में मदीने से मक्का भी पहुँचे हैं और आज आखिरी काफिला भी पहुँच गया है। हज भवन के ताल्लुक से बेहयाई का जो बयान आया था उस ताल्लुक से आप भी लगातार बयान दे रहे हैं, आप तो कह रहे हैं इतनी अच्छी खिदमत की, और यहाँ से आजमीन भी जो भी गए वो भी कहे कि काफ़ी अच्छी खिदमत की गई है, यहाँ पर वॉलंटियर्स भी खुश हैं, तमाम लोग खुश हैं, लेकिन जिस अंदाज में एक नेगेटिव प्रचार यहाँ पर हुआ है हज भवन के ताल्लुक से लेकर, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है। नहीं देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कम से कम 27 साल हो गए, 27 साल में ना कोई छेड़छाड़खानी का एक कंप्लेंट हुआ है, ना पुलिस के अंदर, ना किसी का एक सूटकेस गुम होने का, ना किसी का एक पैसा गुम होने का, वो जो कुछ भी लगा है बेबुनियाद मैं समझता हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा ही चर्चा ना हो तो अच्छा है। लेकिन इस मौके पर मैं अपने ज़िम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ, मैं बोल रखा था कि अभी देखो बहुत सारी चीज़ें मैं मुट्ठी बंद करके रखा हूँ, उसको मैं खुलासा करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लोगों ने वीडियोस बनाकर इसके बारे में कुछ ये कर रहे हैं कि भाई बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हज हाउस को हो या हमें हो, लेकिन मेरा मकसद ना सियासत करने का है, ना ही इसके अंदर हज अल्लाह के घर के अंदर, ना ही इधर कोई गलत सलत बोलेगा तो उसको बर्दाश्त करने का है, क्लीन मेरा फंडा है। लेकिन ऐसे मौके पर फिर से एक बार देखिए, पहला जुमा उन्होंने मैं वो बयान आपको चाहता तो उसके अंदर फिर से एक बार दोबारा दिखाता, लेकिन मैं शुरुआत मौलाना मुजम्मिल साहब से हुई थी, अभी मैं चाहूँ तो फिर से एक बार आपको क्लिप दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो क्लिप बार बार रोटेट होकर कहीं ना कहीं मेरे और हमारे और आपके इस हज हाउस के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, इसीलिए मैं दिखाना नहीं चाह रहा है। फिर से उठाकर एक 2.5 मिनट का उनका वीडियो दिखा दूं तो सबसे पूरा खुला खुला अल्फाजों में उन्होंने बयान किए हैं, मैं वो नहीं चाहता। खैर ठीक है, इस मौके पर मैं मेरी ज़िम्मेदारी समझकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अमीर शरीयत साहब से बात करता अमीर शरीयत से कहना चाहता हूँ, और उसी के साथ साथ मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब से और मौलाना ज़ुल्फ़िकार नूरी साहब से, मुफ्ती तहजुद्दीन साहब मैसूर से और मौलाना तनवीर पीर हाशमी साहब से, मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब से, और उसी के साथ साथ हमारे हरदिल अजीज़ चामराज पेट के ही हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आती है, बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और मिनिस्टर वक्फ बोर्ड और हाउसिंग एंड स्लम जितने भी पोर्टफोलियो उनको दिया गया है उसकी बस को भी उन्होंने ज़िम्मेदारी निभा रही है, और ये भी ज़िम्मेदारी उन्हीं के खानदों पर आती है क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी आजमा चुके हैं, बहुत बड़ी एक मुसीबत आई हुई थी, अल्लाह का करम, अल्लाह ने उनको बचा लिया और उन्होंने एक फरिश्ते के जैसा हमारे चामराज पेट का ईदगाह बचाए हैं। तो इससे भी क्या क्या हो सकता है उसको उनको मैं आगाह कराता हूँ, और उसी के साथ साथ हमारे उमर फारूक मस्जिद के मेम्बरों से, और उसी के साथ साथ हमारे राज्यसभा मेम्बर
डॉक्टर नासिर हुसैन साहब को और एमएलसी पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर साहब को, राज्यसभा यक्स डॉक्टर रहमान खान साहब को, और इसी के साथ साथ स्पीकर हमारे यूटी खादर साहब को, एमएलए तनवीर सेठ साहब को, एमएलए एनए हारिस साहब को, एमएलए रिजवान अरशद साहब को, मिनिस्टर हमारे हज के रहीम खान साहब को, एमएलए आसिफ सेठ साहब को, एमएलए इकबाल हुसैन साहब को, मैं आज ये आगाह करना चाहता हूँ। देखिए, हज़रत ने तो बयान दे दिया, हमारी मांग थी कि सबसे पहले जो अल्फाज़ें उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस अल्फाज़ों को वापस ले लो और सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट करो बोलकर। लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैंने बोला था बंद मुट्ठी में बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए बोलकर। इन लोगों को समझाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए मैं आज एक खोल कर रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगरचे सही है और मेरी बात हकीकतन ऐसा हो सकता है बोलकर आप इत्तेफाक मेरी बात से रखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर आप लोग बोल दोगे तो कल का कल मैं इस्तीफ़ा देकर मैं ये मेंबरशिप से हट जाऊंगा। क्योंकि मेरे शहर का ये इदारा है, बाहर कहीं भी बैठकर मैसूर से हो या बल्लारी से हो या हुबली से हो या हिंदूपुर से हो कोई बोल देंगे, हमारे इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, तो आने वाले दिनों के अंदर ये इल्ज़ाम बहुत दूर तक जाएगा। इससे नुकसान इस शहर के, खासकर बच्चों को नुकसान होएगा इस बेंगलुरु के, क्योंकि वो एक दिन आते हैं, मुसाफिरों को छोड़ देते हैं, हाजियों को रुख्सत करने के बाद चली जाते हैं, लेकिन नुकसान बेंगलुरु शहरियों का होता है। वजह इसकी है, देखो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाने की वजह से, क्योंकि बड़ी फीस होती है तो उसकी देखभाल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट संभालती है, तो उन लोगों को आईएएस आईपीएस पढ़वाने के लिए मैं ये खोलना नहीं चाहता था राज, तो इसीलिए इतनी बड़ी बात मैं इन लोगों के सामने जब तक नहीं लाऊंगा। मौलाना मुजम्मिल साहब के जो उनके फॉलो में जो खड़े हैं, इसके नुकसान का समझ उनको नहीं आता है, तो इसीलिए मजबूरन मैं ये बोलना चाहता हूँ उन आलिमों को जो इनके मुफाद में खड़े हुए हैं और इनके हक़ में खड़े हुए हैं, जो कुछ भी बोलें सही बोलें, मैं सही इस बात को नहीं मानता। हो सकता है 50% औरतें पर्दे में आए, या 50% जो औरतें पर्दे में नहीं आए हैं उनके लिए इन्होंने ये अल्फाज बोले हैं, बोल के बोल रहे हो ना, लेकिन वो अल्फाज भी गलत हैं। क्यों गलत हैं? तो उनके शौहर, उनके बीवियां जो इधर आए हैं, उनके माँ बहनें, उनकी देखभाल उनके घर वाले होते हैं। आपकी नसीहत होनी चाहिए था बस, क्योंकि वो अगरचे नसीहत होती तो उसके लिए हम आपको आड़ा नहीं आते थे आपकी बात को, और ना आपको हम रिप्लाई देते थे। अगरचे मैं इस बात को उठाकर उस इसी मीडिया से मैं बोलना चाहता हूँ, भाई जो 10 से 10.5 हज़ार लोगों को आपने, हाजियों को रुख्सत करने आए, आपकी माँ बहनों को जो पर्दे में आए, ठीक है, जो बगैर पर्दे के आए थे, क्या उनको बेहयाई करने के लिए आप इधर भेजे थे? आप लोग अगरचे मीडिया में आकर या फिर आप कमेंट्स के जरिए से नहीं बताओगे, बेहयाई के लिए नहीं, रुख्सत करने के लिए भेजे थे बोलकर नहीं बोलोगे, तब तक हजरत इस बात को कबूल नहीं करेंगे। आपका गुस्सा कम से कम कमेंट्स के जरिए से मालूम होना चाहिए। जो इधर के वॉलंटियर्स हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, 27 साल से ना एक कंप्लेंट हुआ है छेड़खानी का, आपके माँ बहनों के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, आप लोग उसको आकर खुलासा नहीं करेंगे या कमेंट्स के जरिए से नहीं बताएंगे, आपका गुस्से का इजहार नहीं करेंगे। अगरचे मैं गलत हूँ तो मुझे आप गुस्सा आपका जाहिर कीजिए, या फिर वो गलत बात करके हैं तो आपका गुस्सा जाहिर कीजिए, या फिर आपके माँ बहनों की बेइज्जती करने के लिए बैठ जाओ, हम भी मान लेंगे, चलो जितने आए थे इधर बेहयाई के लिए आए थे बोलकर समझ जाऊँगा। वजह देखिए इसका साफ है, मैं अभी ये खुलासा करने जा रहा हूँ। भाई, जो मौलाना मुजम्मिल साहब के अल्फाजों को आपका समर्थन दे रहे हो ना, हम इसको इसलिए डिनाई कर रहे हैं, इसीलिए हम खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए खुलकर डंके की चोट पर बोल रहे हैं, मौलाना मुजम्मिल साहब इसको गलत तरीके से बयान किए हैं। अगरचे मैं आज इस बात को डिनाई नहीं करूँगा, आज इनकी बात झूठी नहीं साबित करूँगा या इसको झुठलाऊँगा नहीं, तो आज से 50 साल बाद मुजाहिद जो बात किया है इसको आप लोग इतिहास दोहराओगे इंशाअल्लाह। ये बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ जो मौलाना हज भवन को लेकर जो बेहयाई का अड्डा बोलकर हैं, ये इधर तक की बात ख़त्म नहीं होएगी। क्यों ख़त्म नहीं होएगी? इधर से 1 किलोमीटर के अंदर आरएसएस का गढ़ है, समझ रहे हो? लेकिन आप लोग समझ गए हो, सिर्फ बेहयाई का अड्डा बोलने से खाली हाजियां आ रही हैं, उन लोगों को लगा होगा, नहीं,
ये पूरे बेंगलुरु शहर के इदारे के ऊपर आप जो तरीके का इल्ज़ाम लगाए हो, जो आज इधर IAS IPS बच्चियां और बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोगों के किरदार के ऊपर आप एक दाग लगाए हो। इसीलिए मैं बार बार डंके की चोट पर बोल रहा हूं, इस बात को आप वापस लो, आपका वीडियो डिलीट करो, वरना कल का दिन, आने वाले दिनों में इसी जिस तरीके से चामराजपेट का ईदगे का इशू उठाकर हमारी जायदाद, हमारी वक्फ बोर्ड की जायदाद छीनने के लिए PAL डाले थे, और बहुत सारी 500 साल पुरानी मस्जिदें मैसूर के अंदर भी मस्जिद के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम डाले हैं हमारी। तो इसी तरीके से कल का दिन खुलासे से बोल रहा हूँ, सुन लो, इन लोगों ने कहीं आकर PAL डाल दिया हमारे इतने बड़े इदारे के ऊपर, उस टाइम पर ये पूरे उलमाए इकराम, ये पूरे मिनिस्टर बोलकर इसके बचाव के लिए आपके पास क्या दाखलात हैं? आज कम से कम मैं इनकी बात को झुटला रहा हूं, इनकी बात झूठी है, ये गलत है बोलकर मैं झुटला रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास प्रूफ के जरिए से आज नहीं तो आज के 50 साल के बाद आपके हाथों में लगेगा ये डॉक्यूमेंट। वजह इसकी है, कल का दिन कोई PAL डालेगा, देखिए हजरत उनका, देखिए जज साहब उनका, उनका एक इमाम, बड़ा इमाम, उनका एक मौली साहब ने इस इदारे के ऊपर बेहयाई का अड्डा बोलकर है, उस टाइम पर कोई पूरे आलिमों ने, कोई मिनिस्टर ने इस बात को झुटलाया नहीं, कोई डिनाई नहीं किया है, तो इसका मतलब 100% उधर बेहयाई चल रही है, क्योंकि लड़कियां उधर पढ़ने आती हैं और लड़के उधर पढ़ते हैं और हॉस्टल बनाकर रखे हैं, उसकी वजह से हमारे मोहल्ले के अंदर शांति बिगड़ रही है और इस मोहल्ले का नाम बदनाम हो रहा है, इधर बेहयाई का अड्डा कन्फर्म चल रहा है, इस बेहयाई का अड्डा निकालो बोलकर कोई PAL डालेगा तो उस टाइम पर आपके पास क्या दाखलात रहेंगे? आज बताओ आप लोग, आपकी खामोशी मुझे दिन ब दिन मेरा मुंह खोलने के लिए मजबूर कर रही है। क्या यह हक नहीं है कि भाई आप इनको समझाते, इनकी बात सबसे पहले झूठ बोलकर झुठलाते और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट का वीडियो डिलीट नहीं करवाते? आप मुझे गालियां दो मैं सुन लूंगा, आप मुझे भला बुरा बोलो मैं सुन लूंगा, लेकिन हमारे इदारे के ऊपर इल्जाम आने की वजह से मैं ये बोल रहा हूं। क्या कल आकर कोई भी धाबा नहीं बोलेगा? इधर कम से कम 450 भाई को बच्चियां, बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं, 200-250 भाई को बच्चियां पढ़ रहे हैं, ये बेहयाई का अड्डा बोलकर आपके अल्फाज को हम लोग डिनाई नहीं करेंगे, आपके अल्फाज को झुटलाएंगे नहीं। तो कल का दिन उन्होंने PAL डालकर इस इदारे को उनके कब्जे में, हुकूमत के कब्जे में ले लेंगे, तो वो मासूम बच्चों की जिंदगी से आप लोग खिलवाड़ नहीं कर रहे हो। कल का दिन वो बच्चियां पढ़ेंगी, कल इधर से उनकी डिग्रियां लेकर जाएंगी, उनकी शादियां होंगी, उनके शादियों के टाइम पर उनके शोहरों के घर के अंदर क्या बोलना, मैं फलाने हज हाउस के अंदर पढ़कर आई, उधर मुझे बोर्डिंग का इंतजाम था, सब था, उसके शोहर के दिल में एक शक पैदा होएगा कि भाई ये बेहयाई के अड्डे के अंदर पढ़ के आई है, ये नहीं होएगा। ये सब बातें, इन सब बातों का मुजम्मिल साहब को जवाब देना पड़ेगा, या जवाब नहीं देना पड़ेगा तो मुझे मंजूर है, मैं ही गलत हूं तो आप लोग मुझे बुलाकर बोलिए, इमीडिएट आपके हाथ में इस्तीफा ला कर दूंगा, इससे मुझे कोई लगाव मेरे ओहदे से नहीं है, मुझे ये अल्लाह के घर से, और वो मासूम बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना इधर, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, और जो मासूम बहनें और माँ और बहनें इधर आकर गई हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम को वापस लो बोल रहा हूँ, इसकी दूसरी कोई वजह नहीं है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप इकट्ठा कर लो, जो आने वाले दिनों में 100 साल हो या 400 साल हो, इस मुकाबले और ये इल्ज़ाम को अगरचे वो चैलेंज करने के लिए कोई PAL डालेगा, तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है हमारे और तुम्हारे चाहते लीडर ज़मीर अहमद खान साहब के खांदों पर जिम्मेदारी आएगी, और फारूखिया मस्जिद के मेंबरों के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। वजह, हमारा इतना बड़ा इदारा कौम और मिल्लत का और बेंगलुरु वालों का इतना बेहतरीन इदारा उन्होंने हुकूमत के कब्ज़े में लेंगे तो कोई उसके लिए रोकने वाला नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने खुलकर बोल रहा हूं, आप इसका इंतज़ाम करवाइए, और सबसे पहले आज के बाद आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। कल आकर इधर इदारा नहीं चलना है, IAS IPSों को नहीं पढ़ाना है बोलकर कोई PAL डाल देगा, और बेहयाई का अड्डा 100% चल रहा है बोलकर उन लोगों ने प्रूव करेंगे। 100 मरतबा आपने देखे होंगे गलत झूठे डॉक्यूमेंट बनाकर डालते हैं कोर्ट के अंदर, मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मुसलमानों की और वक्फ बोर्ड की जायदादें छीनने के लिए।
ये क्या ये होने नहीं हो सकता है। और इसी के साथ साथ मैं मौलाना मकसूद इमरान साहब का नाम लेना भूल गया था, दरमियान में याद आया, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है इसके ऊपर तवज्जो करें। और इसी के साथ साथ मैं मौलाना मुजम्मिल साहब को, लगता है कि उन्होंने एक जुमा हज भवन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में निकाल दिए, दूसरा जुमा उनको जो कॉल गए फ़ोन के ज़रिए से वो कॉल के ज़रिए में बोलकर दूसरी जुमा निकाल दिए, तीसरी जुमा कल जो मैंने इल्ज़ाम डाला कुछ पैकेज मौलाना बोलकर उनको बुरा लगा बोलकर वो उसमें तीसरा जुमा निकाल दिए, चौथा जुमा नहीं मालूम उस कौन सा टॉपिक लेकर आएंगे। तो इससे बेहतर है वो लाने से पहले कौम को भी ज़रूरत है कि भाई इखलास की तरफ लेके आना है, हज का सीज़न चल रहा है, हज के बारे में बोलना है। तो इसीलिए अगरचे वो पैकेज का अल्फाज उनको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें ताकि चौथी जुमा आवाम के लिए बच जाए, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं एक लास्ट में एक बात बोलकर ख़त्म कर देता हूँ, ये एक मेरे दोस्त के लिए है, ख़ासकर वो सादिक बोलकर जो सद्भावना है उनके लिए है। भाई आपने बोल रहे थे कि भाई उलमा इकराम जो भी बोल देता है हमको दफनाने के लिए, मर गए तो भी वही उलमा इकराम आना है, उलमा इकराम को लड़ाना नहीं है। मैंने कहीं कोई उलमा को लड़ाने के लिए 100 मेंबरों को उलमा को लेकर आकर लड़ाता हूँ बोलकर नहीं बोला, आपका पेश करने का तरीका बहुत गलत था। लेकिन उलमा इकराम पूरे के पूरे अंबिया के वारिस होते हैं बोलेंगे तो कम से कम 17 या 18 कर्नाटक की जेलों में उलमा इकराम बंद हैं, क्योंकि मर जाएंगे तो उनको नहलाने के लिए आसानी होगी। उलमा इकराम, मैं पूरे उलमा इकराम को नहीं बोला था, मैं कुछ उलमा इकराम की गलतियों की वजह से मैंने बोला था, आपने उठाकर उलमा इकराम मुझे ही दफनाने के लिए वही उलमा इकराम चाहिए बोलकर आपने मुझे उलमा के खिलाफ बताने की साजिश की हो, लेकिन मैं पूरे उलमा के खिलाफ नहीं हूँ, कुछ एक या दो उन्होंने जो खिलाफ किए हैं उनके बारे में मैंने आवाज़ उठाई है। देखिए हज कमेटी का चेयरमैन के लिए मैं इंतज़ार करता तो मैं भी दूसरों के सबके जैसा मैं भी खामोश बैठता, मुझे मरना है, मुझे अकेले को समझ रहे, मेरी खबर की जड़ती मुझे देना है, मेरे से जो सवालात करता है जो मेरी नज़र में उसका तैयार करके जवाब दे रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे उससे लेना देना नहीं है, हाँ लेकिन मेरे साथ खांदे से खांदा मिलाकर पूरे मेंबर्स हैं, ये इसका यकीन मुझे है। शुक्रिया।